मेरा नाम खालिदा फातिमा है। मेरे जो शौहर है उनका नाम मोहम्मद अलीम है। उनके ऊपर अभी अटैक हुआ, बहुत सीरियस है फिर वक्त दोनों। उन्हों मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोगों को तीन बच्चे हैं छोटे छोटे। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? मोहम्मद अलीम नाम है उनका। कोई दुश्मनी थी आपके हस्बैंड? कोई दुश्मनी नहीं थी, वो दो दिन पहले किसी को मारे थे कहते गली में, तो इन्होंने जाके उनकी जान बचाए, बचा के उनको हॉस्पिटल में लेके आए, उनको पीएस में जाके केस करे, इसलिए उनके ऊपर दुश्मनी रखे मारे, दुश्मनी से हुआ ये अटैक। जो मारे आपके हस्बैंड को आप पहचानते उन लोगों को? जी नहीं, मैं तो नहीं पहचानती। आपके हस्बैंड पहचानते उन लोगों को? जी उन्हें पहचानते। अब उनकी पूरी सेफ्टी होना मेरे को, और उनको कुछ नहीं होना, बस उनकी पूरी सेफ्टी होना भैया, उसका कुछ भी नहीं होना। कैसे कानून से? आप कहाँ रहते हैं? हसन नगर, महमूद नगर में रहते हैं हम लोग। वहाँ पर 10-12 जने मिलके मारे गए थे, वो भी तालाब के पास पीछे, हमारे घर के पीछे तालाब है। वहाँ पर बुला के, वहाँ पर बुला के खाली फोन करके बात करना है, बल्कि बुला के ऐसा कर डाले उनके साथ। बस्ता नहीं, अब तो अब बजगर, अब बस्ता नहीं, बल्कि बस्ता नहीं, बल्कि बोल रहे तालाब में भी फेंक डाले। वो हमारे जेठ गए, बल्कि अच्छा हुआ उनको बचा लिया, और जाके ना तो खुदा ना खासा कुछ हो जाता था। तो बस मैं कानून से मदद चाहती हूँ, इंसाफ चाहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे को, केसीआर साहब से भी इंसाफ चाहती हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम, उनकी पूरी सेफ्टी होना। अब जी अटैक हुआ ऐसा फिर कभी नहीं होना। उन्होंने इंसानियत के नाते बीच में गए, और उनके ऊपर ही जैसा हमला करे बुला के, ज्यादा से ज्यादा इंसाफ की उम्मीद कर रही मैं बस। सर कुछ भी नहीं, बस उन्होंने सही सलामत रहना बस। तेलंगाना में आपको कैसा मालूम है अभी यहाँ पे? ये हमारे जिठानी बोले मेरे को कभी घर में। यहाँ पुलिस वाले वगैरह कोई आए वहाँ से? पीएस में कंप्लेंट दी आप लोग? पुलिस में कंप्लेंट दी आप लोग? नहीं, पुलिस में कंप्लेंट देने के लिए लगा, पुलिस में कंप्लेंट हम यहाँ से आते खुद में दिए। शायद आए थे पुलिस वाले राजेंद्र नगर के? नहीं आए अभी कोई। इससे पहले जिसको मारे बता रहे आप लोग, जी वो आपके कोई रिलेटिव है या कोई रिश्तेदार? नहीं, कोई भी नहीं है। दोस्ताने में गए, सिर्फ दोस्ताना था। अब आंखों के सामने देखे, अब किसी की भी जान जाती है कैसा देख सकते, बल्कि उनको लेके आए हॉस्पिटल में लेके आए। दुश्मनी आपके हस्बैंड के साथ निकाल? जी हाँ, वही दुश्मनी रखे उनके ऊपर, ठीक है, ऐसा करे। ठीक है, तो मेरा नाम माजिद है, मैं हसन नगर का रहने वाला हूँ। हसन नगर में जैसे मेरे मामू के ऊपर हमला हुआ, 307 कर दिया उनका, और जैसो ये हमले के वारिस है। दो दिन पहले एक 307 हुआ था बच्चे का, जिसके लिए पुलिस उसको अरेस्ट भी नहीं करी, और जो वो दो दिन पहले भी कंप्लेंट करे थे उसको आज से भी कंप्लेंट नहीं करी। तो वो बातचीत करने के आज से बुलाए थे, बातचीत करना। क्या नाम है बातचीत करने बुलाए सालों का? अलीम नाम है मेरे मामू का, बादशाह खान बुलाए थे, और जैसे उनकी बातचीत करने के आज से बुला के मारे, उनको चाकुओं से मारे, तो मारे सत्ता मार के भी तालाब में फेंक डाले। क्या उनको कुछ बोले नहीं, बताए नहीं, इधर पेट के तरफ फाड़ दिया, 10-12 जने मारे लगा। इन्हों लेके आए मेरे मामू है लाइफ, इन्हों देखे हुए, इन्हों लेके आए हुए। वजह क्या थी मारने की? मेरे वजह दो दिन पहले एक 307 हुआ था भाई बच्चे का, जिसका नाम मोहम्मद शोएब है। हाँ। उनको बचाए थे उन्हों। हाँ। उन्हों कैसा बचाता बोल के उन्हों मारे, पीएस में कंप्लेंट कैसा देता, फिर पलट के दवाखाने को कैसा लेके जाता बोल के बादशाह खान बुला के बात करना है, इधर से आ बोल के बुला के मारे बादशाह खान मारे आपके मामू को। हाँ जी। आपके मामू का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद अलीम। तो बचाए कहीं को बोल के किसको? हाँ। मारे थे, किसको बचे थे आपके मामू? दो दिन पहले मोहम्मद शोएब नाम है बच्चे का, दोस्त है बच्चा, घर करने का थे, उनको मारे थे। वो किस लिए मारे वो पता नहीं है। कौन से पीएस में दिए थे? राजेंद्र नगर पीएस। हाँ, इंसानियत के नाते, मोहब्बत के नाते गए तो इनको बुला के मार दिए, बुरा मारे, 8-10 जने थे लगा। अभी कैसी है कंडीशन आपके मामू की? बहुत सीरियस कंडीशन है, डॉक्टर अभी कुछ भी नहीं बोले, अभी अंदर टिकनेट चल रहा। तो मामों को मारने वाले कौन है, कितने आदमी लोग थे वो? कुछ मामा वगैरह कुछ उनके पता है? एक का नाम बादशाह खान है, एक का नाम जाकिर है, एक का नाम बल्ला खान है, एक का नाम शिमलान है, जिसका नाम शिमलान जाकिर, मेरे को नहीं मालूम है। 10-12 जने लफ्ज़े लगा।